हेलो फ्रेंड, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोल्हापुरी हरी मिर्च का ठेचा बनाएंगे। तो ये हरी मिर्च का ठेचा में मिर्ची जो हम यूज़ करेंगे वो मीडियम वाली करेंगे, ज़्यादा स्पाइसी यूज़ नहीं करना है। एकदम छोटी छोटी जो स्पाइसी वाली मिर्ची आती है वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ठेचा बनेगा तो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने मीडियम वाली तीखी हमने मिर्ची लिया है, तो ये मिर्ची को हम कट कर लेते हैं। तो ये मिर्ची को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो देखिए, मैंने 1 कप मिर्ची को मैंने कट करके रेडी कर लिया है। तो 1 बाउल भर के हमने मिर्ची लिया है, उसके सामने हम 1/4 कप लहसुन का टुकड़ा लेंगे। तो लहसुन की कली थोड़ी बड़ी थी तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो परफेक्ट माप से हम ठेचा बनाएंगे। 1 बाउल भर के मिर्ची लीजिए और उसके सामने एक छोटा बाउल भर के लहसुन लेना है। तो 1 कप मिर्च का टुकड़ा और 1/4 कप हमने लहसुन लिया है। तो चलिए हम ठेचा बना लेते हैं। तो गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है। ये पैन में हम 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल को हम गरम करने के लिए रख देते हैं। तो तेल गरम हो गया है, तो अभी हम मिर्ची को डाल देते हैं। तो मिर्ची को डाले तभी ध्यान रखे, मिर्ची को जो डाल रहे तभी ढक्कन लेके मिर्ची को डाले, तो ये तेल के छाटे भी हाथ में नहीं आएंगे। उसके बाद हम हाई फ्लेम पर हमें मिर्ची को हिलाएंगे। मिर्ची के ऊपर व्हाइट हो जाए तब तक हम ये मिर्ची को पकाएंगे। तो आप देख सकते हो मिर्ची के ऊपर ये जो स्किन है वो व्हाइट हो गई है। तो इस तरह से मिर्ची को पकाना है। तो हमारी मिर्ची रेडी हो चुकी है, तो हम एक डिश में ये मिर्ची को ले लेते हैं। ये पैन में हमने मिर्ची को रोस्ट किया है, वही पैन में हम 1 टेबल स्पून जितना जीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया डालेंगे। तो 1/4 कप मैंने डाला है लहसुन का टुकड़ा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम हिलाएंगे। अभी हम उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। तो कड़ी पत्ता ये ठेचा में ऑप्शनल है, मुझे ठेचा में कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपको पसंद है तो डालिए और नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी पत्ता से। तेल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो आधी स्पून जितना मैं फिर से तेल डाल रही हूँ। तो ये ठेचा में मैंने सरसों का तेल डाला है। आपके पास सरसों का तेल है तो डालिए, नहीं है तो रेगुलर जो कोई भी तेल खाते हैं वो डाल सकते हो। तो देखिए हमारा ये लहसुन गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया है। अभी हमने जो मिर्ची को फ्राई किया था वो हम डाल देते हैं। उसके बाद नमक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून जितना लेमन जूस लिया है वो हम डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम ये मिर्ची को एकदम लो फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। तो मिर्ची भी सॉफ्ट हो जाएगी और ये लहसुन है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम ढक्कन बंद करके एकदम लो फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। गैस की फ्लेम लो रखना है, हाई बिल्कुल नहीं रखना है। तो लो फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए ये मिर्ची को रख देते हैं। 2 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो इस तरह से स्पून से आप दबा दीजिए तो पता चल ही जाएगा कि मिर्ची है वो गल चुकी है या नहीं। तो
ये मिर्ची है वो अच्छे से गल चुकी है, मिर्ची भी गल चुकी है और लहसुन है वो भी गल चुका है। तो अभी हम 1/4 कप जितना डालेंगे फ्रेश धनिया डालेंगे। धनिया डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पराठा जो सेकते हैं ना, लिकड़े का जो ये मेशर आता है उससे हम मेश करेंगे ये चटनी को। ये चटनी को मिक्सर में नहीं पीसना है। तो आपके पास ये जो लिकड़े का मेशर नहीं है तो आप ये खानड़ी जो आती है उसमें भी कूट सकते हो। तो ये ठेचा है वो अधकसरा जैसा होता है। पूरी की पूरी मिर्ची को पेस्ट नहीं बनाना है, आधी मिर्ची को मेश करना है। तो ये चटनी हम अधकसरी जैसी रखेंगे। तो इस तरह से मेश कर लीजिए। तो अच्छे से मिर्ची को पकाएंगे तो ये आप अच्छे से मेश भी कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये मिर्ची को अच्छे से मेश कर लिया है। तो हम आधी मिनट तक हम इस तरह से हिलाएंगे तो ये मिर्ची में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी है वो भी नहीं रहेगा। और आपको ये मिर्ची को लंबे टाइम के लिए रखना है तो भी ये मिर्ची का ठेचा खराब नहीं होगा। तो इस तरह से ठेचा को पका लीजिए। तो लीजिए हमारा ये कोल्हापुरी हरी मिर्च का ठेचा खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये मिर्ची का ठेचा को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आप एक कांच की बोतल में भर के फ्रिज में रख दीजिए। तो ये ठेचा को आप लंबे टाइम के लिए फ्रेश रख सकते हो और जब भी खाने का मन करे तभी फ्रिज में से निकाल के आप खा सकते हो। और एक कोल्हापुरी मिर्च का ठेचा है वो रोटी, भाकरी, पराठा, थेपला, खिचड़ी सबके साथ ये खा सकते हो। खाने में ये ठेचा बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से एक बार बना के जरूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।